नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के दीवानी कचहरी स्थित सेंट्रल बार एसोसिएशन के चुनाव में के दूसरे दिन कई लोगों ने नामांकन किया। इस दौरान महामंत्री पद के लिए दारोगा सिंह ने भी नामांकन किया। वे अपने दल बल के साथ सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ताओं के साथ एल्डर कमेटी के पुस्तकालय भवन स्थित नामांकन कक्ष पहुंचे। वहां उन्होंने नामांकन किया। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि हम जीते तो अधिवक्ताओं का मान सम्मान के लिए लगातार लड़ाई करते रहेंगे, जिस तरह पूर्व में भी किया है। मऊ ब्यूरो की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं इस समय सिविल कोर्ट सेंट्रल बार के महामंत्री पद के प्रत्याशी दारोगा सिंह। अभी नामांकन करने जा रहे हैं, इसके पूर्व हम इनसे बात करेंगे क्या आपका रणनीति है और किस बिंदुओं को अधिवक्ता हित में लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, अधिवक्ता हित ही सर्वोपर है मेरे इस चुनाव लड़ने का मुद्दा, और जो भी कार्य करूंगा वो अधिवक्ता हित में ही करूंगा। पूर्व में भी आप पदों पर रहे और किस तरह से आप आने वाले दिनों में क्या रणनीति है आपको अधिवक्ताओं के हित को लेकर, क्या है बात जिसको लेकर आप चुनाव मैदान में? पूर्व में भी मैं दो बार महामंत्री रहा हूँ इस बार सुप्रीम कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन का, और इस बार भी अगर लोगों ने मुझे महामंत्री पद पर चुना तो अधिवक्ता हित के साथ मैं जो बचे हुए कार्य हैं सब उसको करूंगा और उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होने। महामंत्री पद पे कई प्रत्याशी हैं और आखिर में अधिवक्ता आप ही को क्यों चुने? आखिर में इसलिए चुनेंगे कि मैं टेस्टेड पर्सन हूं और अन्य लोग जो हैं वह अभी अभी मैच की ट्रायल में, और सुनिए मैं तो मैच पास हो चुका हूँ, जीत चुका हूँ, और अन्य लोग जो हैं अभी ट्रायल में हैं, और अन्य लोगों का जो इतिहास भी है इस कचहरी के लिए फिट नहीं, क्योंकि कोई किसी का अनुभव 2 साल का है, किसी का 4 साल का है, किसी का 15 दिन का है। अगर उसने भी कहा कि सजनी हमाऊ राजकुमार, तो इसके लिए नहीं रोका जा सकता। तो ये है दारोगा सिंह महामंत्री पद के प्रत्याशी। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें आपको वीडियो कैसा लगा। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।